हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट सेल। आवर टॉपिक इज़ सेल। तो पहले हम सेल की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अ सेल मे बी डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। मीन्स द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ, जैसे कि रिप्रोडक्शन। कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं सेल के, जैसे सेल्स आर मोस्टली स्मॉलेस्ट इन साइज, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे शोज वेरिएशंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन सेल्स। तो जो सेल्स में वेरिएशन होता है वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है वेरिएशन इन नंबर, वेरिएशन इन शेप एंड वेरिएशन इन साइज। तो पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएशन इन नंबर। जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो एक या बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है। उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। और ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स। और ह्यूमन बींग भी इन्हीं में आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएशन शेप। तो शेप बहुत सारे होते हैं सेल के, जैसे डिस्क शेप्ड होता है, पॉलीगोलन गुनल, रेक्टेंगुलर, ब्रांच्ड एंड इवन इररेगुलर। ब्रांच्ड में हम देख सकते हैं नर्व सेल हमारी होती है वो ब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो ये हो गई वेरिएशन की बात। अब हम आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, वो हिस्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। हम सभी को पता है कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1664 में, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट अ स्लाइस ऑफ कॉर्क इज मेड अप ऑफ टिनी हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया, एक कॉर्क का स्लाइस लिया और जब उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें बहुत सारे हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। तो उन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने सेल का नाम दे दिया। ऐसे हुई सेल की डिस्कवरी, ठीक है। अब सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो पहले हम उनके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंसेस भी देखें क्या कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक है। तो सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गॉल्जी बॉडी, वैक्यूल, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे हैं सेल के पार्ट्स। अब हम इनके फंक्शंस भी देख लेते हैं और कुछ कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आउटर कवरिंग होती है सेल के, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये है सेल मेम्ब्रेन और ये बहुत ही पोरस मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सिर्फ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स ही, सेलेक्टेड सब्सटेंस ही सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। जो सेल के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, सुटेबल होते हैं, वही प्रोडक्ट्स एंटर कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूड दैट फिल्स अप द पार्ट्स ऑफ द सेल। ये जेली लाइक फ्लूड होता है वो जो उसमें जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनको फिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये हमारे डीएनए में, डीएनए की स्टडी में हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आता है गॉल्जी ऑपरेटस. गॉल्जी ऑपरेटस इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें वेसिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, सेक्रेशन ऑफ केमिकल्स. ये क्या करते हैं, गॉल्जी बॉडी का क्या काम होता है, केमिकल्स सब्सटेंसेस का सेक्रेशन करना, एंजाइम्स हार्मोन्स प्रोटीन्स का सेक्रेशन करना. नेक्स्ट आता है वैक्यूल. वैक्यूल जो होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है. ये इसका क्या काम होता है, ये एक्सेस वाटर मिनरल्स एंड पिगमेंट्स एक्सेट्रा ये स्टोर करता है, ठीक है, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारा है लाइसोजोम्स, ठीक है. लाइसोजोम्स अब इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल. ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी कोई सेल को डैमेज पहुंचने वाला रहता है, जब भी कोई सेल जो होता है हमारा वो डेंजर जोन में होता है, तब लाइसोसोम खुद को बस्ट कर लेता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल. नेक्स्ट हमारा आता है ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये ट्यूब्यूल्स और चैनल्स का नेटवर्क होता है जो कि हेल्प करता है सिंथेसिस स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रोसोम्स, ठीक है. सेंट्रोसोम्स जो होता है ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है. नेक्स्ट है प्लास्टिड. प्लास्टिड इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. इट कंटेन्स सर्टेन पिगमेंट्स. और ये जो प्लांट की लीव्स होती हैं हमारी, ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होती हैं, तो इसका प्लास्टिक का क्या काम होता है, कलरिंग ऑफ सब्सटेंस. नेक्स्ट हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं. तो पहला पॉइंट आता है जो, वो है प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट, साइटोप्लाज्म इज एज डेंस एज इन एनिमल सेल, ठीक है, सॉरी, साइटोप्लाज्म इज नॉट एज डेंस एज इन एन एनिमल सेल, जबकि एनिमल सेल में डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है. अब प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसको फूड एंड मिनरल्स वाटर ये सब स्टोर करने की ज़रूरत होती है, जबकि एनिमल सेल में जनरली नहीं पाया जाता है. अगर होता भी है तो बहुत स्मॉल साइज में होता है. नेक्स्ट पॉइंट है, प्लास्टिड आर यूजुअली प्रेजेंट. प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रोसोम्स इज एब्सेंट. प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब एक और छोटा सा टॉपिक है, सेल को दो पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है. ऐसे सेल जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस कैरेक्टर को जिनमें पाया जाता है उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं. सेल्स दैट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें नहीं होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. सेल्स दैट लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. सो आज का हमारा ये इतना टॉपिक कंप्लीट.